स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 12th और उसमें से हमने चैप्टर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से टाइप की है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल सेपरेबल है वो उसमें देखो अप्लाई नहीं हो पा रही है, आप इसको वेरिएबल्स को भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। दूसरी फॉर्म जो है हमारी होमोजीनियस, वो भी क्लियरली शो हो रहा है कि होमोजीनियस भी नहीं और ये लीनियर भी नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म है, जब ऐसा आपको क्वेश्चन मिले तो इट मीन्स ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल में जो हमारा एक टाइप होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वहाँ से क्वेश्चन है ये। यानी कि अभी हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास x प्लस y है, इसकी वजह से ही मेरा जो ये वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पा रहे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस x प्लस वाई को ही पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ टी वी आप कुछ भी चाहो, इसी को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ इसे वी x प्लस वाई को। अब यहाँ पर मुझे चाहिए, देखो ये x प्लस वाई तो मेरा v पुट हो जाएगा, तो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव करेंगे तो, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों वैल्यूज को आप सब्सटीट्यूट करो इन इक्वेशन 1, इसे 1 मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो dy बाई डी एक्स प्लस 1, dy बाई डी एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी dv बाई डी एक्स, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया dv बाई डी एक्स, राइट साइड पे क्या होगा e रेस टू पावर v। तो देखो ये हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी छोटी सी इक्वेशन बन गई है, इसमें कुछ हमारे पास ऐसा डिफिकल्ट नहीं रहा जिसको कि सॉल्व करने में हमें दिक्कत आए, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, e रेस टू पावर v को आप डिवाइड में ले आओ और dx को आप ले जाओ मल्टीप्लाई में, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज e रेस टू पावर माइनस v dv एंड ऑन राइट साइड इट इज dx। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग नहीं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ v dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सी। अब e रेज़ टू पावर माइनस v की इंटीग्रेशन तो यही होगी और माइनस v का डेरिवेटिव माइनस 1 आप लगाओगे और राइट साइड पे यहाँ पे तो 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और प्लस सी। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, मैंने पावर को पॉजिटिव बना लिया तो 1 के अपॉन में वापस लिख लिया है इसे, एंड अब आप जो है v की वैल्यू पुट कर दो विच इज x प्लस वाई, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर के ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डाउनलोड द ऐप ऑनलाइन मैथ्स, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।